पिता को ऋण राशि नहीं चुकाने पर जेल भिजवाने का डर दिखाकर बेटे को ब्लैकमेल कर हजारों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शनिवार को पीड़ित पिता पुत्र ने एसपी को शिकायत की है। एसपी ऑफिस पहुंचे मैनगांव निवासी राज महेश्वरी ने बताया कि 21 जून को मोबाइल पर फोन आया कि आपके पापा ने ऋण ले रखा है, जिसकी 3 सप्ताह से किस्त नहीं भरी तो उन्हें जेल हो जाएगी। यह सुन मैं डर गया। उन्होंने यश कैश ऐप डाउनलोड करने का बोला। इस ऐप में मैंने 6600 रुपये डाले। इस संबंध में घर में किसी को नहीं बताया। इसके बाद फिर फोन आया, जिसके बाद 2 किस्तों में 15800 रुपये जमा कराए। यह राशि गांव वालों से उधार ली थी। पिता ने कहा, बेटे को परेशान देखने पर और गांव के लोगों द्वारा उधारी मांगने पर इस ठगी की जानकारी मिली। बेटे ने वाहन की किस्त भी ब्लैक मेलरों को दे दी। एसपी से मामले में कार्यवाही की मांग की है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मेरे से पैसे लिए गए हैं, कितने लिए? 40,000 रुपये दिए। कितने लिए? यस कैश ऐप डाउनलोड करवाया है, उसमें उन्होंने किस्त के हिसाब से बोला है कि अगर किस्त नहीं जमाएगी तो पापा को जेल हो जाएगी, और सप्ताह की किस्त है। 3 किस्त थी, पहली 6600 रुपये डाली और दूसरी 15,800 और तीसरी बार में और 15,800। तो मैंने कैसे करके दे दी। फिर जब घर पता चला तो मैंने इनकी शिकायत डाली, मैंने डाल के पैसे दिए। अब क्या चाहते हैं आप? इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि ये किसी और के साथ ना ऐसा हो। क्या नाम है आपका? राज महेश्वरी। कहाँ रहते हो? मैं कहीं नहीं, बच्चा घबरा रहा था। मेरे को कल परसों पता चला, तो फिर मैंने बोला कि बेटा क्या हो गया। बोले पापा ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरे बच्चे ने 40,000 रुपये दे दिए। 40,000 रुपये कब से डाल रहे थे? कब से डाल रहा है? 31 तारीख से। कितने डाले गए, मतलब कितने कितने डाले? अब कितने कितने डाल रहा था, नहीं मेरी गाड़ी की किस्त भी डाल दी उसने। पैसे काय के, किस्त काय की थी? किस्त मेरी गाड़ी की थी। अच्छा, तो फोन कहाँ से आया था आपको? फोन कहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है नहीं उसके पास। तो पता करा आपने कहाँ गए पैसे? पैसे वो यस बैंक का बोल रहे हैं कि यस कैश में बैंक बोल रही है था। हाँ, अभी तो हमको पता नहीं एक बैंक का कौन सी। कब क्या मांग करी आपने? हमने अभी कहीं नहीं मांग करी। हमारा ये बच्चे को परेशानी हो रही थी, ये परेशान हो गया था और बच्चा दिन में रात में खाना नहीं खाए, इधर उधर पैसे मंगने के लिए भटक रहा था। कितने बार दिया आपने? 20,000 तो मेरे घर से मैंने दे दिए, मतलब मेरे को पता नहीं है कि 20,000 इसने दे दिए घर से। गाड़ी किस्त पे ली थी आप? हाँ, गाड़ी कितने की उठी थी गाड़ी? वो तो गाड़ी है अपनी, अल्ट्रो है सर, वो तो यही बैंक से। और ये बच्चा मतलब किसी से भी उधार ला के ना वो पैसे जमा करता गया, उसको डराया धमकाया कि अगर पैसे नहीं भरे तो तेरे बाप को जेल हो जाएगी। तो ये बच्चा मेरे को बोल नहीं पाया। जब मेरे को पता चला है, दो एक लोगों ने बताया कि भाई तेरे बच्चे को मैंने इतने पैसे दे दिए, वो उधार ले गया, तो मैंने कहा इसको क्या ज़रूरत लगी। तो फिर मैंने उसको परसों के रोज़ बोला, तो मैंने कहा बेटा क्या समस्या है बता तुम्हें। नहीं, आप जब पैसा जमा कर रहे थे आप कभी बैंक से मिले? आप बैंक से ऑनलाइन डलवाता था। ऑनलाइन डलवाए? हाँ। टोटल कितने दे दिए आपने? 40,000। अब क्या कहना पड़ रहा है उनका? अब उनका अभी कहीं वो तो बात नहीं कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि पेमेंट डालो। क्या नाम है तुम्हारा? पंडरी महेश्वरी। कहाँ रहते हो? मैनगांव। क्या काम करते हैं आप? नल का काम करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।